तो बहुत ही फेस्टिव सी फील आप लोगों को आ रही होगी स्क्रीन को देख के, क्योंकि द पिंक फेदर की फैशन एंड लाइफस्टाइल एग्जीबिशन शुरू हो चुकी है नूर महल के दरबार हॉल में। और जैसे कल मैंने आप लोगों को जब इनवाइट किया था तो बताया था कि अगर आप लोगों को फुलकारी चाहिए तो पंजाब जाना पड़ता है, बांधनी चाहिए तो राजस्थान जाना पड़ता है, लेकिन सारा फैशन मतलब इंडिया के हर कोने कोने का फैशन खुद चल के जब करनाल में आ जाएगा एक ही छत के नीचे, तो उससे अच्छा कुछ भी नहीं होने वाला। और लोगों ने काफ़ी सीरियसली ले भी लिया है क्योंकि अच्छा खासा क्राउड है यहाँ पे, और मतलब सिर्फ लड़कियाँ ही नहीं लड़के भी आए हुए हैं यहाँ पे। और हर तरह नाम ही इतना अच्छा, और उसके साथ अलग अलग मतलब स्टाइल के आप लोगों को कपड़े मिलने वाले, अलग अलग प्रिंट्स के, अलग अलग कलर्स के, आंखों को इतना अट्रैक्ट करें। उसके बाद थोड़ा और आगे लेके चलेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को बनारसी और डिज़ाइन आप लोग देख सकते हो, आपको यहाँ पे मिलेंगे। मतलब बनारसी चाहिए तो बनारस जाने की ज़रूरत नहीं, करनाल में आप लोगों को मिल जाएगा। क्या बताना चाहेंगे अपने कलेक्शन के बारे में? हेलो मैम, मैं माई सेल्फ मीतू सलूजा, आई एम टेक्सटाइल एंड फैशन डिज़ाइनर, आई एम डिज़ाइनर ऑफ खादी ऑल्सो, आई एम वर्किंग विद खादी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। वी डू यूजली डू फैशन शोज इन डिफरेंट कंट्रीज एंड सिटीज ऑल्सो। अभी कहाँ से पहुँची हैं आप? मैं यमुनानगर से पहुँची हूँ। अच्छा। और यहाँ पर हम लोग लाए हैं देश के जो हमारा पूरा देश है उसकी आर्ट को। Okay. यानी कि जैसे आप देख लेंगे तो यहाँ पर कच्छ का जो है ये अगर मॉडल मोडल सिल्क में अजरक है तो वेस्ट बंगाल का कांधा है। ठीक है। अच्छा। अगर आप कुछ भी उठा लेंगे तो ये देखिए ये जदोजी ऑफ दिल्ली, ठीक है ना, तो ये जो जदोजी वर्क है लखनऊ का भी है एंड दिल्ली का भी है। तो आप जो भी कुछ देखेंगे, ये मधुबनी है, मधुबनी इज आर्ट ऑफ बिहार। ओके, तो मतलब मधुबनी हो, बंगाल का आर्ट हो या फिर दिल्ली का आर्ट हो, सब कुछ आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाला। बनारस का तो मिलेगा ही आपको, और उसी के साथ यहाँ पे अच्छा अगर वेस्टर्न वेयर की बात करें, ट्रेडिशनल दिखा दिया, वेस्टर्न वेयर में भी बहुत ही यूनिक यूनिक स्टाइल्स आप लोगों को मिलने वाले, मतलब कोट सेट्स हो या फिर वो जो आजकल बहुत ही क्वर्की से प्रिंट्स चलते हैं वो सब कुछ आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा। किड्स कलेक्शन भी आप लोगों को मिलेगी, मतलब सिर्फ लेडीज के लिए नहीं है इस बार ये एग्जीबिशन, बच्चों के लिए भी एग्जीबिशन होने वाली है। और साथ ही साथ आगे और बहुत सारी वेरायटी यहाँ पे मैं देख रही हूँ, क्राउड भी काफी अच्छा खासा है। तो अगर अभी आप लोग नहीं आए हो तो वन डे अपॉर्चुनिटी है, 10 बजे से शुरू हो चुकी है और शाम को 8 बजे तक चलने वाली है, तो टाइम वेस्ट मत करो, फटाफट यहाँ पे आ जाओ। उसके अलावा ये सूट देखिए आप, कितना ज़्यादा प्रिटी लग रहा है ये सूट, कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। इसी के साथ साथ यहाँ पे आप देखिए कि कुर्ते कितने प्यारे प्यारे नज़र आ रहे हैं, मतलब मैं देख पा रही हूँ कि दिल्ली से ये लोग अपना स्टॉल लेकर खास करनाल में आए हैं। तो यूजली लोगों को होता है कि जब हमें शॉपिंग करनी है ना, जब फैशन और स्टाइल की बात हो तो हर किसी को दिल्ली जाना होता है, पर यहाँ पे आप देखेंगे दिल्ली का हर फैशन आप लोगों को करनाल में नूर महल में दरबार हॉल में मिलने वाला है। उसके अलावा यहाँ पे भी बहुत सारे चिकनकारी के सूट्स में देख रही हूँ, और चिकनकारी तो वैसी मतलब ट्रेंडिंग में नंबर वन पे इस टाइम, तो क्या बताएंगे आप, ये सूट ही पहली बात तो बहुत खूबसूरत लग रहा है। सच्ची में इट टेक्स एट लीस्ट 2 months टू डू अ पीस। अच्छा, यस, 2 महीने में एक सूट तैयार होता है, बिकॉज दिस इज ऑल हैंड वर्क। ओके, तो मतलब अगर आप लोगों को हैंड वर्क में भी चाहिए ना, वो बारीक काम जिसको बोलते हैं, वो वाले सूट्स आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाले। मतलब मुझे लगता है जिनके लिए ना बड़े बड़े ब्रांड्स में बहुत पैसे खर्च करके हम लोगों को जाना पड़ता है, सब आप लोगों को यहाँ पे मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो आजकल ये काफ्तान बहुत चलते हैं, किमोनोज बहुत चलते हैं, उसकी भी अच्छी खासी वैरायटी आप लोगों को मिल जाएगी। और अगर मैं आपको सारा दिखाने पे आई ना तो बहुत लंबी वीडियो चली जाएगी, तो थोड़ा कष्ट आपको भी करना पड़ेगा, थोड़ा आप लोगों को यहाँ पे आना पड़ेगा, पहुँचना पड़ेगा। उसके अलावा यहाँ पे भी मैं देख पा रही हूँ बहुत ही अलग अलग बेहतरीन तरीके के मतलब यहाँ पे काम है, और थ्रेड वर्क वाले सूट्स मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ, बहुत सुंदर लग रहे हैं। और ये तो मतलब कश्मीरी वाइब दे रहा है, मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे कश्मीरी सूट ही, और कितना ज़्यादा खूबसूरत भी लग रहा है। लेकिन हम यहाँ नहीं रुकते, थोड़ा और आगे चलते हैं क्योंकि वैरायटी बहुत ज़्यादा है। टोटल 70 स्टॉल्स यहाँ पे होने वाले हैं, मतलब गर्ल्स की वीकनेस होती है, मतलब जो शॉर्ट लड़के होते हैं उनको तो होता है हील्स के बिना घर से बाहर ही नहीं निकलना, तो हील्स में भी बड़े ट्रेंडी कलर्स आप लोगों को मिल जाएंगे, वाइब्रेंट पिंक है, ग्रीन है, येलो है, मतलब सब कुछ इतना ज़्यादा सुंदर होने वाला है। उसके बाद ज्वेलरी, ओ माय गॉड, ज्वेलरी तो मतलब लड़कियों की वैसी बेस्ट फ्रेंड होती है, एकदम से मूड अपलिफ्ट कर देती है। और यहाँ पे आप ब्रेसलेट्स देखिए, कितनी सुंदर सुंदर ब्रेसलेट्स हैं, साथ में रिंग्स हैं, ईयर रिंग्स हैं, और ये नेकलेसेस देखिए आप, कितने प्यारे लेयर्ड नेक चेन्स आप लोगों को मिलने वाले हैं। तो बने रहिए, और भी खास कलेक्शन दिखाती हूँ, और जो लोग प्लानिंग कर रहे हैं इस इवेंट की उनसे भी मिलवाती हूँ।
मजी आ रही है। कितने रॉयल लुक के, कितने स्पार्कलिंग से बैग्स हैं, पुतली बैग्स हैं, बास्केट बैग्स हैं, और वो क्लचेस भी हैं, और इतने प्यारे प्यारे क्रिस्टल वाले बैग्स आप लोगों को मिलेंगे। मतलब बेशुमार वैरायटी आप लोगों को मिलने वाली है। और वो देखिए कितना यूनिक सा बैग है, वो बेज और ब्लू कलर का, मतलब बहुत ही यूनिक स्टफ है। और इस चीज़ की तो मैं गारंटी दे सकती हूँ, अगर आप लोगों को ट्रेंड्स फॉलो करना पसंद है ना, तो मतलब एक चीज़ खरीदने आओगे ना लेकिन कन्फ्यूज हो जाओगे, कई सारी चीज़ें खरीदने, कितना क्वालिटी लग रहा है ये बैग। और क्राउड काफी आया हुआ है, देखिए बाकी और मैंने भी तो करवाना नहीं चाहती हूं, आप लोग बाहर मेरे फ्रेंड्स आके आप लोग भी यूनिक कलेक्शन दिखाएंगे, तो काम बहुत ज्यादा अफसोस होने वाला है। हैंडीक्राफ्ट की भी अच्छी खासी वैरायटी आप लोगों को मिल जाएगी। मतलब ये देखिए, इसके लिए भी ना हम लोगों को बाहर जाना पड़ेगा। उसमें तो बेशुमार वैरायटी मिलने वाली है। उसके बाद यहाँ पे हम बैग्स की बात कर रहे थे, तो इतने ज़्यादा मतलब कलरफुल बैग्स हैं। ये देखिए आप, ये पर्टिकुलर बैग देखिए कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल ये बैग लग रहा है, कितनी प्यारी कलेक्शन है। ओ माय गॉड, ये कितना ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। क्या बताओगे, आपकी ड्रेस से तो मैच भी कर रहा है ये बैग। कुछ बताओ अपनी कलेक्शन के बारे में, कहाँ से स्टोर लेके आए हो, कहाँ से आए हो यहाँ? मैं पानीपत से हूँ। पानीपत से जी। और कलेक्शन के बारे में बताओ। कलेक्शन मेरी ऐसी है कि आप कलर बोलो, कोई ड्रेस दिखाओ और बैग आपके सामने हाजिर है। अच्छा, मतलब जो भी मांगेंगे वो उसी टाइम मिलेगा, उसी टाइम मिलेगा। कोई भी कलर, कैसा भी, वेस्टर्न, इंडियन, इंडो वेस्टर्न, कैसा भी आपका आउटफिट हो, बस उसको चार चांद लगाने के लिए मैं बैठी हूं। ओह माय गॉड, मतलब ड्रेस उतनी अच्छी ना भी हो लेकिन इनके बैग ले लो, चार चांद अपने आप लग जाएंगे। और ये स्कर्ट देखना, मतलब अगर आप लोगों को पार्टी करनी है, क्लबिंग जाना है, तो परफेक्ट बैग आप लोगों को और यहाँ पे मिल जाएगा। मतलब बहुत ही प्रिटी प्रिटी डिजाइन है। और सच में मतलब मैं खुद यहाँ पे आई हूँ, इतनी सारी चीजें अट्रैक्ट करी है। फिर ज्वेलरी की बात करते हैं, ये देखो कितने प्यारे प्यारे झुमके हैं आप लोगों को मिल जाएंगे। मतलब अगर फैमिली में शादी आ रही है, आप लोगों को साड़ी पहननी है, लहंगा पहनना है, तो ज्वेलरी के बिना तो इंडियन वेयर वैसे ही अधूरा है। तो उसको कंप्लीट करने के लिए ज्वेलरी, बैग्स, कपड़े, सब कुछ आप लोगों को यहीं से खरीदना है। और जैसे कल मैं बता रही थी कि यहाँ आओगे ना शॉपिंग करने, तो थैले भर भर के बाहर निकलोगे, इतनी तो गारंटी है। चलो और भी दिखाती हूँ, और भी लोगों से बातचीत करती हूँ। हाँ, कितनी प्यारी प्यारी जूतियाँ आप लोगों को लग रहा होगा कहीं मैं मतलब पंजाब में तो नहीं आई हूँ जूतियों की शॉपिंग करने। नहीं नहीं, क्योंकि पंजाब की जूतियाँ करनाल में आ चुकी हैं। मैं बात कर रही हूँ द पिंक फैदर की फैशन एंड लाइफस्टाइल एग्जीबिशन की, जहाँ पे आपको ए टू जी फैशन का सारा सामान मिल रहा है। और इतनी ज़्यादा खूबसूरत जूतियाँ, मतलब कौन सा कलर यहाँ पे नहीं है, और इतना अच्छा वर्क किया हुआ है। मतलब जिन लोगों को होता है ना कि हील्स नहीं पहनी जाती, फ्लैट्स पहननी है, और लड़कियों को तो वैसे इतनी पसंद होती है जूतियाँ, तो वो आप लोगों को यहाँ पे मिलेगी। साथ ही साथ सूट की कितनी प्यारी वैरायटी है, वो देखो। मतलब चारों तरफ अगर एक बार आपको कैमरा घुमा के दिखाऊँ ना, तो मतलब इतनी यूनिक चीज़ें आप लोगों को मिलने वाली है। आप एक बार देखिए, मतलब प्रॉपर कॉटन में कितने प्यारे प्यारे सूट्स यहाँ पे अवेलेबल है। और ये पर्टिकुलर इस पीस की अगर बात की जाए ना, मुझे लगता है कि जो हम फैशन शोज वगैरह में देखते हैं ना, एकदम यूनिक से जो अलग से उठ के आते हैं, मतलब आप कुछ ऐसा पहने कि आप सबसे अलग लगे, वो फैशन होता है। और वो फैशन आपको करनाल में तो कहीं मिलता नहीं था, लेकिन अब इस एग्जीबिशन में मिलेगा। तो आगे भी दिखाती हूँ क्या क्या खास यहाँ पे और है। अच्छा ये देखो, मैं अपनी फेवरेट हूँ, मतलब हर लड़की अपनी फेवरेट होती है, लेकिन ये दिखाने के लिए अगर ऐसे वाली म्यूल्स आप लोग पहन लो तो क्या ही कहना। मतलब आपको कौन सा टाइटल चाहिए ना, वही वाली स्लीपर आपको रेडी मिलेगी। कस्टमाइज भी आप लोग करा सकते हो, लेकिन इतना यूनिक स्टफ कहाँ, सिर्फ द पिंक फैदर की फैशन एंड लाइफ स्टाइल एग्जीबिशन में। मतलब एक बार देखो, कलर्स देखो, पैटर्न देखो, स्टाइल देखो, डिज़ाइन देखो, सब कुछ आप लोगों को यहाँ पे मिलने वाला। तो बस देर मत करो, फटाफट आ जाओ, क्योंकि फिर बड़ा रिग्रेट होगा जब एक बार ये कलेक्शन यहाँ से चली जाएगी। वन डे एग्जीबिशन है, 8 बजे तक रहने वाली है। सिर्फ एग्जीबिशन ही नहीं है, अच्छा मेरे पीछे ना यहाँ पे आप लोग स्टेज भी देख सकते हो, स्टेज भी लगा हुआ है, लोग काफ़ी इन्जॉय करते हुए भी नजर आ रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे खास ध्यान रखा गया है एंटरटेनमेंट का भी, मतलब जो लोग आएंगे उनके लिए यहाँ पे फैशन शो ऑर्गेनाइज होने वाला है, उसकी भी कुछ ग्लिम्सेस आप लोगों को दिखाई जाएंगी। तो मतलब ऐसा पहली बार करनाल में कुछ मैंने भी सुना है कि मतलब एग्जीबिशन है, साथ ही साथ फैशन शो होने वाला है, जिसका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, एसेंस ऑफ इंडिया। और एसेंस तो मतलब इंडिया के हर स्टेट का आप लोगों को यहाँ कलेक्शन में मिल रहा है। टोटल 70 एग्जीबिटर्स यहाँ पे आए हुए हैं, और उसी के साथ यहाँ पे तड़कता भड़कता सा फैशन शो होने वाला है, एक मास्टर मेकअप क्लास होने वाली है, मेकअप मास्टर तरुण कपूर की तरफ से। उनसे भी बातचीत करते हैं और देखते क्या कुछ खास और रहने जा रहा है।
लाजवाब है इस बार की एग्जीबिशन। और क्या नहीं है, सब कुछ आप लोगों को यहाँ पे मिल रहा है, लेकिन और क्या कुछ खास है उसके लिए हमारे साथ अंशुल कटारिया जी हैं, जो कि मैंने कल भी आप लोगों को मिलवाया था। प्लानर है, डिजाइनर है आज के एग्जीबिशन के। सर क्या कुछ बताना चाहेंगे, कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, कितना प्यार मिला है लोगों से? मैं ये बताना चाहूंगा कि देखो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला हम लोगों को। आप मेरे पीछे भी आप देख ही रहे होंगे कि कितना अच्छा क्राउड यहाँ आ रहा है। स्पेशली जो हमारे एग्जीबिटर्स आए हैं वो इतना कुछ डिफरेंट लेकर आया है यहाँ पे, जो हम लोगों की एक्सपेक्टेशन से भी कुछ ज़्यादा ही वो लोग लेकर आए हैं। और मैं चाहूँगा कि आप लोग खुद आइए, एक बार चेक कीजिए उनका मटेरियल, उनका कॉन्सेप्ट क्या कुछ आया हुआ है। लाइक दुबई से लोग आए हुए हैं, इंटरनेशनल एग्जीबिटर्स आए हुए हैं, कश्मीर से उन लोगों की जो स्पेशलिटीज़ है वहाँ फैब्रिक की, वो लोग अपना सारा प्रोडक्ट यहाँ लेकर आए हुए हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग जल्दी से जल्दी आइए, और 4 बजे हम लोग फैशन शो स्टार्ट कर रहे हैं तो 6 बजे तक चलेगा, और आप प्लीज़ उसको आइए और इंजॉय कीजिए। थैंक यू। अच्छा, अब यहाँ पे ना बहुत ही ब्यूटीफुल सी लड़कियाँ हैं हमारे साथ, तो लड़कियों के पॉइंट ऑफ व्यू से जानना बहुत ज़रूरी होता है कि कलेक्शन कैसी है। मतलब मैंने तो देखा और मुझे तो सारी चीज़ें खरीदने का मन कर गया, ये भी ले लूँ, वो भी ले लूँ। अब आप बताओ कितने एग्जीबिटर्स हैं, कहाँ कहाँ से आए हुए हैं लोग, ये बताइए। वी हैव 70+ एग्जीबिटर्स विद अस एंड पीपल आर कमिंग फ्रॉम आगरा, लखनऊ, दिल्ली, जलंधर एंड मेनी मोर प्लेसेस। बेसिकली इट्स फ्रॉम पैन इंडिया एंड वी हैव ज्वेलरी, क्लोथिंग, बैग। सो आई रिक्वेस्ट पीपल कि अभी भी 8 o'clock तक का टाइम है, तो प्लीज़ डू विजिट। द पिंक फैदर से राखी जी भी हमारे साथ हैं, तो मैम आप बताइए कि कलेक्शन तो हम लोगों ने देख ली, और क्या कुछ खास है? मैं देख रही हूँ कि एक मेकअप क्लास चल रही है यहाँ पे, अब खास एक्टिविटीज के बारे में थोड़ा बताइए। सो यहाँ पे लाइव मास्टर क्लास चल रही है तरुण जी के थ्रू, एंड थोड़ी देर में यहाँ एक फैशन शो भी होने वाला है। सो ये पहले यहाँ नहीं हुआ है, तो आई रिक्वेस्ट पीपल ऑफ करनाल, प्लीज कम, डू विजिट, शो लव, सपोर्ट, यू हैव टू कम हियर, यू डू नॉट वॉन्ट टू मिस दिस थिंग। मतलब एक बार आओ जरूर, ये मौका आप लोगों को गवाना नहीं है। और खास क्या कुछ है, मतलब देखो लड़कियों को ना वैसे मेकअप कितना पसंद होता है, मेकअप से खूबसूरती में वैसे निखार आ जाता है, और अगर मेकअप मास्टर तरुण कपूर से आप लोगों को लाइव मेकअप सीखने का मौका मिला तो उससे अच्छा क्या होगा। रैंप वॉक आप लोगों को एक फैशन शो यहाँ पे देखने मिलेगा, लकी ड्रोज यहाँ पे निकाले जा रहे हैं, लोगों के साथ क्वेश्चन है, फन क्वेश्चन खेले जा रहे हैं, मतलब बहुत ही इंजॉयमेंट से फन फील्ड ये संडे होने वाला है। और एग्जीबिशन के बारे में तो मैं क्या ही बोलूँ, आप लोगों ने देख ही लिया है, सुबह 10 बजे से शुरू हो चुकी है, रात को 8 बजे तक चलने वाली है, नूर महल के दरबार हॉल में द पिंक फैदर की तरफ से पहली बार कुछ ऐसा लेकर आए हैं, अ सेंस ऑफ इंडिया फैशन शो शुरू होने वाला है। बस मौका फटाफट यहाँ पे।